Hi friends, good morning to all of you. Always use mask and hand gloves या फिर पॉलीथीन ग्लोव आप इस्तेमाल कर लीजिएगा फॉर योर सेफ्टी पर्पज। एंड व्यूअर्स, आज मैं आपको एक छोटा सा प्लान दिखाऊंगा। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक, और आप किसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। आप एंड यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन। कीप सपोर्ट मी टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन ऑसम हाउस प्लान .com एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान। चलिए बात करते हैं इस प्लान के बारे में। अगर आपके पास भी कोई हाउस प्लान है, 3D फ्रंट एलिवेशन डिजाइन आप हमें सेंड करना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं ना, या फिर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उस 8095615113 उस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा इमेजेस। और देखिएगा ये ईस्ट फेस का है, मैं डबल कार पार्किंग, ओके डबल कार पार्किंग मतलब कार पार्किंग के लिए जगह तो चाहिए आपको लगभग। देखिए वर्स अभी फुल व्यू देख लीजिएगा आप। हाँ, लगभग आपको कार पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए वन बिहाइंड द अदर, या फिर सिंगल सिंगल में मैं बताऊंगा आपको। लगभग आपको 7 फीट बाई 13 14 फीट तो चाहिए, मतलब 7 बाई 15 फीट तो चाहिए। सिर्फ डिज़ायर जो कार रहता है ना नया मॉडल का, या फिर जो लॉन्ग लेंथ रहता है ना, उसके लिए आपको 7 बाई 15 फीट का जगह चाहिए। बिकॉज उसका क्लियर जो स्पैन लेता है वो है 4.5 फीट बाई 13 फीट 6 इंच तक, तो उसको चाहिए चाहिए जगह। फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा सामने 1 फीट, पीछे 1 फीट बोले तो आपको जगह चाहिए। बिकॉज जब भी आप कार ऑन करें कुछ हुआ तो एकदम आगे भी जा सकता है ना, तो उसकी वजह से आपको जगह चाहिए, नहीं तो कॉस्टली पड़ सकता है आपको। एंड ये था, तो बात करते हैं प्लान के और हम थे। यहाँ से एक ड्राॅइंग एरिया दिया गया, ये ड्राइंग एरिया जिसका साइज मिल रहा है आपको 9 बाई 19 फीट 7 इंच। ड्राइंग कम किचन, ड्राइंग कम डाइनिंग आप मान सकते हैं, बिकॉज या फिर वो एरिया जो है 9 बाई 9 फीट 7 इंच तक है। एंड लिफ्ट भी दिया गया सेपरेट, और यहाँ पे पूजा रूम दिया है लिफ्ट के पीछे। एंड यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया मिल रहा है आपको 9 बाई 9 फुट 11 इंच, मतलब 9 बाई 10 फुट तक लगभग। किचन साइज 10 फीट 7 इंच बाई 9 फीट 6 इंच में किचन। यहाँ पे है वॉश एरिया जिसका साइज 10 फीट 2 इंच बाई 3 फीट 11 इंच में जो वॉश एरिया, एंड टॉयलेट 9 बाई 3 फीट 11 इंच में टॉयलेट मिल रहा है। तो ये था। एंड देखिएगा यहाँ से डाइनिंग एरिया से भी आप एंटर कर सकते हैं इस वाले बेडरूम में, या फिर यहाँ से कुछ पार्टीशन लेके यहाँ पर भी एंटर करते हैं। ये आप सिट आउट के जैसा भी बना लीजिएगा, सिर्फ सिंगल ओनर पोर्शन के लिए बनाया गया ये वाला प्लान। और कोने में एक बेडरूम, इसका साइज आपको लगभग मिल रहा है 14 फीट 8 इंच बाई 13 फीट 10 इंच। एंड टॉयलेट, दो टॉयलेट है अटैच्ड। एंड सबसे बेस्ट मैं बताऊँगा, अटैच्ड रहना या फिर कॉमन रहना। तो देखिए वर्ष, अटैच रहने से फ़ायदा ये है कि आप जैसे कि अभी देखिएगा मैं अभी फ्रेश ही हूँ, फिर भी अभी मोबाइल सब मैं या फिर माउस को यूज़ कर लिया। अभी मेरे को हैंड वॉश करना है बोले तो एकदम दूसरे रूम में जाना पड़ता है, या फिर हॉल जहाँ पे भी है उधर जाने बोले तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे मतलब लेजीनेस हो जाएगा। अगर यहाँ का यहाँ रूम में है अटैच टॉयलेट बात है, तो एकदम जाके मैं ऐसा हैंड वॉश करके कुछ खा भी सकता हूँ ऐसा एकदम। तो इसलिए क्या है, अटैच टॉयलेट एंड बात रहना नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन के हिसाब से। तो ये था। एंड कॉलम पोजिशंस के बारे में बात कर लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो टोटल जो यहाँ पर दी गई है 16 नंबर ऑफ कॉलम्स। और कॉलम का साइज़ यहाँ पर है 9 बाई 15 इंच का कॉलम, जिसके अंदर आप 10 mm का रॉड भी इस्तेमाल, सॉरी नॉट 10 mm, 16 mm का 6 बार इस्तेमाल कर लीजिएगा। एंड रिंग का साइज जो है आप 6 mm भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस हाउस प्लान। एंड और भी बेहतरीन से बेहतरीन हाउस प्लान्स हम देने की कोशिश तो है मेरा, सो इसी तरह से सपोर्ट करिएगा हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच। टोटल साइज मैं बताऊंगा आपको 45 फीट बाय 60 फीट,
सो 45 बाई 60 जो है इसका टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया विथ 3 बेडरूम सिट आउट के साथ। थैंक यू।